अरे आप क्यों तकलीफ करता है मैं? अच्छा महिला, अबे तेरी तो क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? आराम से। ये वाला सुर है ना, ये तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग वाले थोपड़े पे बहुत अच्छा जाता है क्या? सूट करता है। अभी क्या है भाव कि तुम तो गलत जगह गिले हो गए भाई। अभी बाथरूम में जाने का है, मस्त में सुखा लेने का है, वरना यहाँ पार्टी में सब लोगों को ये लगेगा कि तुमने अपने पतलून में सुसु मार दिया है। अच्छा नहीं लगता है। जा भाई, मैं आता हूँ। ओके बैठो बैठो। सो यू गाइस एंजॉयिंग द पार्टी? भाई तेरी होने वाली बीवी तो बड़ी मस्त है यार, पर थोड़ी अपटाइट है, खुल नहीं रही यार। एक काम कर, ये दे उसे, फिर देख तेरे इशारों पे कैसी नाचेगी। एक जूस देना। थैंक यू। Cheers. माँ ये जूस जल्दी पी लो फिर डांस करते हैं। थैंक यू फॉर द जूस, लेकिन डांस करने का मेरा मन नहीं आज। ए भाऊ, ऐसा काहे को कर रही है? ऐसा तो करती नहीं है। मुझे क्या मालूम, हाथ निकाल। ओ सॉरी भाऊ, सॉरी सॉरी। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम। क्या हो गया उसको? ऐसे सब काय को कर रही है? What the hell? कुछ पिया है क्या तुमने? कौन दिया तुमको? कौन दिया तुमको? हाथ मत लगाना मुझे। अरे दूर रहो मुझसे। बाउली है क्या? हाथ मत लगाओ मुझे। अरे माई माई माई, हाथ मत लगाओ प्लीज। चलो मत चलो। बहुत हो गया तुम्हारा। क्या अभी कान खोल के क्या बोल रहा है सत्या सुनने का? ये कुर्सी है, इधर बैठने का, आराम से इंतजार करने का मेरा। मैं पानी लेके आ रहा तुम्हारे लिए, समझी? समझी? बैठो बैठो आराम से, अभी हिलने का नहीं। क्या रास्ता छोड़ना, मिलके इस घर से बाहर निकल जा, समझा? ऐसा क्या? डन, निकल जाएगा मैं, अभी दूर रास्ता ना। चमारा एक नंबर का एड़ा ही है। तुम इधर क्या कर रही है? मैं बोल रहा हूँ तुमको उधर बैठने को, इधर क्यों चली आई तुम? अभी चलो घर चलो। अब वो किधर है, कोयल किधर है? कोयल? कोयल चली गई। चली गई? उनसे गुस्सा होकर चली गई वो घर। चमायला, कोयल को इतना गुस्सा क्यों आ जाए? चलो
नहीं, मेरे को घर नहीं जाना। विदा, अभी मैं सच बोलता है, मैं ना चौल में पला पड़ा है। ये मेरा पाव किलो का दिमाग ना, इसमें ज्यादा वो क्या बोलते हैं, वो पावर नहीं है। मैं बहुत सारी चीज समझ नहीं पाता है क्या, अभी कैसे किधर से वो किधर भी मेरे सामने आ जाती है। मेरे को समझ नहीं आता है कि अभी मेरे अंदर ये जो उथल पुथल चल रहा है वो मालूम नहीं। मैं कई बार कोशिश किया उसको, मुझे उससे दूर जाने का, पर होता नहीं है। वो फिर किधर ना किधर से मेरे सामने आ जाती है। अभी क्या है ना कि मेरे छोटे से दिमाग के अंदर ना 136 सवाल है और जवाब साला एक का भी नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं आता है मेरे को। मिल जाएगा सिर्फ एक बार, बस अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा बेटा। कोयल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ट्रस्ट में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुमसे सत्या को चुराया? कोयल, ये क्या अजीब सी बात है, हाउ इज दैट पॉसिबल? ओह, तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर हुआ तो वही ना। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे खुश देख ही नहीं सकती हो। एंड बिलीव मी, आई कांट स्टैंड योर फेस, बड़ी बॉयफ्रेंड स्टीलर। इसका नाम कोयल किसने रखा? कौआ होना चाहिए, जब देखो तब काउ 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 काउ। सीता, कोयल जी, अभी देखो ये राणे ने साइन कर दिया, पर उसका नाम लिस्ट में नहीं है, ऐसे पता मालूम। हाय कोयल, तुम इधर क्या कर रही है? मैं बहुत बिजी है, काम है बहुत सारा मालूम। नहीं, मैं सोच रही थी तुम बहुत दिनों से मेरे को कॉफी पे नहीं लिख कर, तो हम कॉफी पे जा रहे हैं। मैं कॉफी क्या खाक पिलाएगा, अभी जेब में अठन्नी नहीं है और तुम्हारी आई अगर नाराज होगी तो कुछ रहेगा भी नहीं। नहीं जा सकता है मैं। वो मेरी मॉम है ना, मैं उनको समझा दूंगी। हम जा रहे, हम नहीं जा सकते। अरे बहुत काम है, मैंने काम जा रहे तो हम जा रहे नहीं जा सकते। कोयल, बात समझने की कोशिश करने का। मैंने काम जा रहे तो कोयल, What the hell? तुम यहाँ भी आ गई? Get out right now! कोयल, I swear मुझे मालूम नहीं था। तुम मुझे, भाई इधर मालूम होने जैसा कुछ भी नहीं है। Sam, it's okay. You don't have to be embarrassed. कोयल, भाई। क्या इधर ऐसा बीच में आके क्या खड़ा हो गया तुम? ये मेरे और माही के बीच की बात है, चला रास्ते से। मेरे और माही के बीच में खड़ा हूँ मैं, जो बात करनी है मुझसे कर। माही मेरी होने वाली पत्नी है, समझा? ये तुम्हारी होने वाली बीवी है, इससे शादी करेगा तुम? ये टूटेली नाक के साथ में। मेरी नाक तो बिल्कुल ठीक है। अभी चेक कर। क्या 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 मारेगा क्या? अरे मारना मारना, अपनी आई का दूध पिया मारना। छोड़ो, क्या प्रोटीन वाला बॉडी क्या दिखाता है? ए फुग्गे, ये तेरी प्रोटीन की बॉडी की हवा निकालेगा मैं। सत्या, मारना। क्या फौला दिया क्या? मरता कहीं को नहीं है तू। अरे सत्या, कितना भीग गया है तू? किसी बस स्टॉप के नीचे नहीं रुक सकता था क्या इतनी बारिश में? अरे हाँ, तेरी वो बिल्ली का क्या हुआ जिसे तू ढूंढने वाला था, जिसके बारे में तूने मुझे बताया था? मिली कि नहीं? पकड़ के रखना उसे। ए सत्या, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? मिकाय बोलते डोके छिरते कि नहीं? मेरे सत्या को किसी की नजर तो नहीं लग गई?
अरे किसी ने जादू टोना तो नहीं किया? हाँ, इसकी तो बोलती बंद हो गई। सर्दी लग गई ना? लग गई ना, बताया था ना मैंने। भाई सिस्टर, तू कुछ बोल रही थी क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही हवा में बड़बड़ कर रही थी। हा? कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, सुना ना मैं, सब सुना मैं। क्या दादा, हाँ प्यार हो गया तुझे? क्या किसी और ने भी बोला ना तुझसे? हाँ सच बता। हाँ नहीं, नहीं। लक्षण तो सारे प्यार वाले ही हैं। तुम्हें मेरी माही से प्यार हो गया, तुम प्यार करने लगे हो माही से। यूं ही मन मुस्कुराना, आखिर दुनिया का भूपो तेरे कान में बजे फिर भी कुछ सुनाई नहीं देना। अपने ख्यालों में खोए रहना। और मेन पॉइंट, अपनी बहन को उसके नाम से बुलाना, माही माही। नहीं नहीं सिस्टर, भाई के सामने ये सब कुछ बोलने का नहीं है, वरना उल्टा लटकेंगे, मुझे फटके मारेगी वो। या तो मेरी दुश्मन है कि एनिमी है सिस्टर। दादा अब देखो ना, ये लड़का पता नहीं कहाँ है, फोन ही नहीं उठा रहा है। कौन लड़का मम्मा? सत्या, मुझे बहुत जरूरी काम है उसे, और मुझे पता ही नहीं उसे कॉन्टेक्ट कैसे करूँ, और आज तो मेरा स्टाफ भी नहीं है। Can you do me a favor? तुम उसके घर जाओगी प्लीज? मामा, मैं कोयल को भेज दूँ? कोयल से कुछ नहीं होगा, यू नो दैट। तुम ही जाकर उसे ले आ सकती हो प्लीज। मामा लेकिन माही बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम जाओ सत्या को बुला कर ले आओ। हाँ जी दीदा। तू इधर ही है ना? है ना, मतलब है ना बोले तो। तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। हाँ मेरी तबीयत की तो एकदम बाट लगी है। मेरे लिए वो, मेरे लिए मंजे मैं तुम्हारे लिए गरम काढ़ा बना देती हूँ, तुम पीते रहना। दवाइयाँ कहाँ रखे? दवाई उधर रखी लिए, वो देखो टेबल पे। नहीं भी बीमार नहीं हो तुम। एकदम मेरे आई के मापे के। क्या कुछ कहा तुमने? हाँ कुछ कहा ना, कुछ नहीं कहा। मैं खाली सोच रहा था कि तुम एकदम तुम्हारे आई के मापिक नहीं है, तुम्हारी सिस्टर के मापिक भी नहीं है। तुम्हारा अक्का परिवार ना तुमसे एकदम अलग है मालूम। तुम बहुत अच्छी है, नहीं मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तुम बेहतर है, सबसे बेहतर है। लगता नहीं कि तुम उस परिवार का हिस्सा है क्या? कहीं किधर गोद भी लिया क्या तुमको? ए क्या, मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत कहना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। पर मैं तुम्हारी मम्मा के बारे में, मेरी मम्मा सबसे अच्छी है। ओके माय, किधर कुछ दवाई लेते रहना। You liar! You selfish girl!
तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना, इतनी गंदी हो यार तुम। कोयल तुमने फिर से शराब पी, अगर मम्मा को पता चल गया तो। प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट विद योर आइडियल फिटी नॉनसेंस। तुम्हारी सिर्फ चक्कर इनोसेंट है, मैं जानती हूँ तुम अंदर से क्या हो, एंड यू आर डिस्गस्टिंग। सच चाहिए ना तुम्हें, सत्या को चाहती हो ना, अपने और सत्या के सपने देख रही हो। आर यू ओके कोयल, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ, फिर झूठ। प्लीज यार मुझसे ये झूठे वादे करना बंद करो। तुम्हारे इनोसेंट फेस के पीछे देयर इज अ मॉन्स्टर। व्हाट? नहीं जीना यार, मुझे नहीं जीना। कोयल प्लीज, ये नाइफ नीचे कर लो, आई प्रॉमिस। कोयल पहले वादा करो, सत्य और मेरे रास्ते से हट जाओगी, बोलो वादा करो। प्लीज कोयल, ये क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में, बताओगी मुझे तुम क्या चल रहा था ये सब? मम्मा मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उससे क्या पूछ रही हो पायल, मैं बताती हूँ, गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी परवरिश की है। पहले दिन से तुम सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो, माही से क्यों पूछ रही हो? मैं तुमसे पूछती हूँ कि मेरी माही की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों? दीदा प्लीज, अब मामा से इस तरीके से क्यों बात कर रही है? दीदा मामा की कोई गलती नहीं है इसमें। तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पीठ के पीछे क्या चल रहा है। ये तुम्हारी माँ, इसने तुम्हारी शादी उस धवल से तय कर दी है ना, पूछो इससे, पूछो कि कोयल की शादी धवल से करेगी? दीदा दीदा प्लीज, तुम चुप करो, ये तुम्हारी मां बनने चली है ना, लेकिन ये तुम्हारी मां बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कोयल के बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में नहीं। चिपकू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता है। चिपकली, मैं बड़े दिन से ना तुम्हें कुछ बोलना चाहता है। यार है सत्या, थोड़ा दिमाग लगाने का। लेकिन चिपकू चिपकली क्या है, उतना प्यारा नाम है उसका, माई 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 बोल के बुलाने का। माई, मैं बड़े दिन से ना तुम चमोला सबके सामने ऐसा पट 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 बोलता है, और उसके सामने आने से हालक से आवाज नहीं निकलता है तेरे। पापा पापा कुछ तो हिम्मत देने का पापा, पापा मैं 100 दिन तक तेरे को नारियल चढ़ाएगा पापा। I love you, Mai. मैं तुमसे प्यार करता है माई, मैं अपनी अखी जिंदगी तेरे साथ बताना चाहता है माई। तभी से मैं तेरे को देखा है ना, मैं फ्लैट हो गया माई, मैं फ्लैट हो गया तेरे पे। अखी जिंदगी तेरे साथ बताना चाहता है, अखी जिंदगी तेरे साथ बिताना चाहता है।
संभाल लेने का पप्पा। क्या बात है, आज अपने स्वागत में पूरा परिवार इधर ही बैठा है। क्यों, क्या हुआ? पहले मुंह मीठा करो ना। अच्छा, माही और धवल की शादी तय हो गई है। सत्या, बहुत प्यार करते हो ना माही से? अरे दीदा, तुम इधर बाहर अकेली? तुम भी तो अकेले हो, आंखें भरी हुई। ये मालूम नहीं, कुछ याद आ गया रहेगा शायद, बाकी ठीक है सब। सबसे पहले तुमने मुझे दादी बुलाया था बेटा, और उसके बाद दीदा। जानते हो क्यों बेटा? क्योंकि तुम पे माही का रंग चढ़ गया था। तुम अपने दिल को नहीं जानते, उससे पहले ही मैं तुम्हारी धड़कन पहचान गई थी। क्यों बार बार बचाने आ जाते हो माही को? क्यों आंखें भर आई तुम्हारी? क्यों उसकी शादी की खबर सुनकर इतने मायूस हो गए हो बेटा? भाभी, अपने प्यार को पाने के लिए जो पहला कदम है वो अपन ने ले लिया है। माई के कमरे में मस्त में गुलदस्ते पे अपना नाम लिख के डाल दिया है चिट्ठी के मापे। अभी उससे होगा ये कि अपनी माई के दिल में छुपेला जो सत्या के नाम का प्यार है ना, वो ऐसा उमड़ उमड़ के फुदकने को खुजली मारेगा और फिर अपनी माई अपने पास चली आएगी। सोचकर मेरे लिए फूल लाए थे? एक बार बोलने पर तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें मजा आ रहा है? मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब? तुम कितने बड़े इडियट हो? तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? अपने नाम के साथ वो बुके मेरे कमरे में रख दिया। कोहल ने वो बुके देख लिया है। बेटे के नाम सिद्धार्थ खुराना टू करणवीर। सिद्धार्थ खुराना, सिद्धार्थ खुराना बोले तो सीट खुराना, ये वही है, वही है जिसके बारे में दीदा बात कर रही थी, जिसका थोपड़ा एकदम अपने जैसा लगता है। ऐसा क्या? क्या बात है सिद्धार्थ साहब? हाँ, खाली तुम्हारा थोपड़ा नहीं अच्छा है, तुम्हारा हैंडराइटिंग भी एकदम मस्त है। अभी देखते हैं अंदर मस्त हैंडराइटिंग में और क्या क्या लिखा है। प्यार का पहला सबक चमाइला, प्यार का पहला सबक। ये डायरी तो शुरुआत से काफी इंटरेस्टिंग है। क्या बप्पा, अभी इस वक्त प्यार के सबक की मुझसे ज्यादा और किसी को जरूरत नहीं है। हार नहीं मानना। इस घर की पहली शादी है और वो भी मेरी बड़ी बेटी की। लेकिन ये वेडिंग प्लानर्स भी ना लास्ट मौके पे ऐसा करेंगे, यूजलेस बंच ऑफ पीपल। मैनेजर से कहती हूँ कोई और वेडिंग प्लानर्स के नाम निकाल के दे। अरे ऐसे कैसे, माही की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, किसी के भी हाथ में सौंप दोगी? ना ना, ये ठीक नहीं है। What? आयली, मैं क्या बोलता है ना, आपने वो काबू सुनी रहेगी, बगल में छोरा गली में डिंडोरा।
ओ वेडिंग प्लानर मांगता था ना आपको, अभी आप बोल रही थी कि कोई बाहर का लड़का आएगा ठीक नहीं लगता है, मैं तो अभी आपका घर का आदमी है ना, मैं करता तो इनका शादी प्लान, अभी क्या है शादी वादी प्लान करने का मस्त एक्सपीरियंस अपने पास में, और मैं माई जी की शादी में काम नहीं आएगा तो किसकी शादी में काम आएगा? Absolutely not. तुम अपना काम ठीक से कर लोगे ना, वही बहुत बड़ी बात होगी. And better not interfere. Sweetie, I think it's not a bad idea. No, mama. Mama, मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरा कॉलेज का फ्रेंड है. I think that's a fantastic idea. In fact, I can help him. After all, मेरी बहन की शादी है ना. चलो गुरुदेव, अभी अगला गुरु मंत्र देने का. सत्या. Why don't you just understand? तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कितनी बार समझाओ एक की एक बात. तुम एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेती कि तुमको मांगता क्या है? एक तरफ मेरे को बोलती हो कि मुझसे दूर रहो, फिर जैसे ही मौका मिलता है मेरे पास चली आती हो. अपने मन को टटोल के देखो कि तुम्हारा मन क्या चाहता है. मेरे पास में रहना या मुझसे दूर जाना.